क्या फुल थिकनेस रोटेटर कफ टीयर की सर्जरी जरूरी है? रोटेटर कफ जो है, रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स अराउंड द शोल्डर जॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो रोटेटर कफ में कई बार पार्शियल टीयर हो सकते हैं या कई बार फुल थिकनेस टीयर होता है। अगर रोटेटर कफ में फुल थिकनेस टीयर है तो वो अपने आप हील नहीं होता है। अगर ये यंग पर्सन में हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजरी और ट्रॉमा तो उसमें रिपेयर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये ओल्डर पर्सन में है जो कई बार डीजनरेटिव होता है, मतलब एज की वजह से, वेयर एंड टीयर की वजह से कई बार ये टीयर हो जाता है, तो उसमें इनिशियली तो हम कोशिश करते हैं कि बिना सर्जरी के एक्सरसाइज, दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन से इसको मैनेज किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं आराम आता है तो फिर इसमें ज़रूरी होती है। तो फुल थिकनेस रोटेटर कफ टीयर जो है वो अपने आप हील नहीं होता है, और उसको हील करने के लिए या उसको वापस एनाटॉमिकल पोजीशन पे उसकी हीलिंग के लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ज़रूरी होती है। रोटेटर कफ के ट्रीटमेंट में आज की तारीख में मोस्ट मॉडर्न टेक्निक जो है वो है आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ टीयर रिपेयर। पहले जो है ये काम थोड़ा सा खोल के किया जाता था, अब यही काम जो है ये दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है, जिसको हम की होल टेक्निक या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हम शोल्डर के चारों तरफ 3 या 4 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, आपके पेन के टिप के बराबर छेद होते हैं, और इनमें से हम कैमरा डालते हैं और बाकी से इंस्ट्रूमेंट डाल के जो रोटेटर कफ जो फट गया है उसको वापस उसकी जगह पर लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए भी जो स्क्रूज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो बायोअब्सॉर्बल होते हैं, मतलब वो शरीर में घुल जाते हैं। इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो हीलिंग होती है वो नेचुरल होती है। इस हीलिंग में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन एक बार जब ये हील हो जाता है तो ये बिल्कुल नेचुरल हो जाता है, और इसके बाद आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। शोल्डर की मोबिलिटी और शोल्डर की स्ट्रेंथ पूरी तरह से वापस आ जाती है।